बिग हेलो फ्रॉम श्रीलंका। मैं श्रीलंका आई हुई हूँ तो यहाँ से भी ब्लॉग करूँगी आपके लिए। आज का कॉन्सेप्ट, यस, टूरिज्म। टूरिज्म बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन आज एक जनरल से हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाहर मुल्कों में जाते हैं सैर करने के लिए, जहाँ के अच्छे टिकट्स हों, अच्छे पैकेजेस हों, या लोकल टूरिज्म भी बहुत होता है। कभी नथिया गली गए, कभी सवात गए, कराची लोग जाते हैं इस्लामाबाद से। टूरिज़्म ऐसी चीज़ है जो आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं और आप लोग करते रहते हैं। मैं सिर्फ चाहूँगी थोड़ी सी बात करूँ कि उसकी डेप्थ को बढ़ाया जाए, उसकी डिमेंशंस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आमतौर पे क्या होता है कि लोग कहते हैं जी बाज़ूकात के, हमें नहीं अच्छा लगता ये टूरिस्ट बसों में बैठ के और वहाँ रोकते हैं, क्लिक 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 तस्वीरें खींचो, फिर आगे वो आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, हम तो अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। तो छोटे ग्रुप्स होते हैं बाज़ूकात, वो कहते हैं कि हम सिर्फ हाइकिंग के लिए जाएंगे या हम कनोइंग के लिए जाएंगे। अब तो टूरिज़्म इतना डेवलप हो गया है कि उनके भी केटर करने के लिए, उनकी नीड्स को, उनकी ख्वाहिशात को केटर करने के लिए प्रोग्राम्स हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम तो अकेले जाएंगे और हम अपना लोनर की तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को, तो अब उसको भी केटर करते हैं। बहुत सी दफ़ा आपने सुना होगा कि ये होम स्टे के प्रोग्राम्स होते हैं, आप एक ख़ास जंगलों में हो या कोई उनके गांव होते हैं, वहाँ पर जाके आपके लिए बंदोबस्त होता है कि आप वहाँ पर रात गुजार सकें, कुछ दिन रह सकें। श्रीलंका में भी मैंने कई ऐसे होम स्टे प्रोग्राम्स देखे हैं जहाँ लोग आते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। लेकिन ये कि बहुत अच्छे तरीके से टूरिज़्म का जो पूरा बिज़नेस है, इंडस्ट्री है, वो केटर करना शुरू हो गई। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब आप एज टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, वैसे तो बहुत से मुल्कों में मैंने काम किया हुआ है, लेकिन मैं एज टूरिस्ट मेरे ख्याल है 70 से ज़्यादा ममालिक में गई हूँ, तो एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखी है, जो डिमेंशन ज़रा सी इग्नोर हो जाती है, वो होती है पीपल इंगेजमेंट। आप वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ बातचीत करें, आप वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी इश्यूज़ क्या हैं, उनके साथ गपशप करें, मार्केट्स में बैठें, वो वाला डिमेंशन बाज़ूकात रह जाता है। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट ओरिएंटेड और जो साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं और जो टूरिस्ट की लिस्ट में साइट्स होती हैं वो टिक मार्क करते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ठहर के, चाहे आप जहाँ होटल में ठहरे हो उनके लोगों से बात कीजिए, लेकिन लोकल से ज़रूर बात कीजिए। और ख़ासतौर पर अगर आप लोकल टूरिज़्म में इंटरेस्टेड हैं, जैसे लॉन्ग वीकेंड होता है, नथिया गली लोग चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप जाएँ तो अपने बच्चों के साथ, अगर फैमिलीज़ के साथ जाएँ, तो आप ज़रूर उनको ये टास्क दिया करें कि वहाँ जो भी लोकल ज़बान बोली जाती है उसके 2-3 लफ्ज़ रोज़ के वो सीखें, वहाँ अपने हमउम्र बच्चों के साथ दोस्ती करें। मुझे मालूम है कि एक तो बहुत ज़्यादा आजकल सिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे बात नहीं करनी है, उनकी तरफ देखना नहीं है, वो सब एहतियातें ठीक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको इंगेज करना ना सिखाएं, बेशक अपने सुपरविजन में, लेकिन वो दोस्तियां करें वहाँ के लोकल लोगों से। इतनी शॉपिंग 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 बाज़ारों से होती है, तो वहाँ के जो मार्केट वाले लोग हैं उनसे भी थोड़ी बात करें, जो सड़कों पे आपको बच्चे खेलते नज़र आते हैं उनसे भी थोड़ी बात करें, तो ये एक बहुत ज़रूरी अमल होता है। वो लोग लोकल खाते क्या हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ अपनी पसंद के खाने ढूंढ के और खाने बैठ जाएँ, वहाँ के जो खाने हैं, ज़ुबानें हैं, कपड़े हैं, इशूज़ हैं, उनके साथ ज़रूर आप इंगेज कीजिए। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि एक तो आप लोग ज़रूर अपनी फैमिलीज़ को लेकर अपने शहर से बाहर, अपने तरह के लोगों से बाहर जाइए, वहाँ लोगों के साथ इंगेजमेंट जो है उसको आप ज़रूर बढ़ाइए, और अगर बाहर के ममालिक में इतना ज़्यादा आना जाना नहीं है तो आप लोकल टूरिज़्म के ऊपर फोकस कीजिए। और जो लोग बाहर जाने वाले हैं, बाज़ूकात वो अपनी फैमिलीज़ को विज़िट करते हैं, रिलेटिव्स को विज़िट करते हैं, मैं उन्हें कहूँगी ये डिमेंशन जो है टूरिज़्म की ज़रूर ऐड कीजिए। सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और सिर्फ टूरिस्ट की साइट सीइंग के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों को जानने के लिए कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी भी सुनाइए, और पाकिस्तानी टिपिकल बिहेवियर की तरह जाके अपने मुल्क की बुराइयाँ नहीं शुरू कर दें। अपनी भी कोई कल्चरल एसेट्स हैं, कोई खूबसूरतियाँ हैं, तो कभी अपने साथ गिफ्ट्स ले जाइए, कभी वैसे उनको बताइए, ताकि पूरा ये कल्चरल एक्सचेंज जो होता है इसको मिस आउट ना करें। आज की स्पॉटलाइट, जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ, लीजे रिजॉर्ट में। ये गॉल जो है इनके सदर्न कोस्ट पे एक टाउन है, कोलंबो से कोई 2 घंटे के फासले पे, 2 घंटे की ड्राइव बनती है, तो यहाँ मैं ठहरी हूँ, तो आज की स्पॉटलाइट आपके लिए यही करूँगी। एक छोटा सा ऐसे लगता है जन्नत का पीस है गॉल शहर के अंदर, और बहुत से लोग आते हैं तो वो बीच रिजॉर्ट्स ढूंढते हैं। मैं आमतौर पर ज़रा उससे गुरेज करती हूँ, क्योंकि वहाँ टूरिज़्म का रश बेतहाशा होता है और बस सारे लोग वहाँ उमड़ उमड़ के आ रहे होते हैं। ये इनका रिजर्व फॉरेस्ट है जो गॉल टाउन के दूसरी तरफ है,
और यहाँ बंदर और दूसरे जानवर भी होते हैं वैसे, और ये बिल्कुल उसके दामन में है। गॉल सिटी में ही है लेकिन ये एक नेचर रिजर्व जैसे कह लो उसके बिल्कुल साथ है। आपको याद है एको टूरिज्म की बात हमने की थी, तो ये लीजे रिजॉर्ट जो है बस उसी का एक नमूना है। बहुत खूबसूरत वेजिटेशन है, फूल है, तरह तरह के फूल हैं, परिंदे आते हैं, बटरफ्लाइज हैं बहुत सी, और ये जो रिजॉर्ट है इसके सेंटर में बिल्कुल एक स्विमिंग पूल है जो बहुत ही खूबसूरत है, वो भी एक जेम की तरह से लगता है। आप अगर बीच से आते हैं तो आप पूल में इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके गिर्द एक तरह की कोकोनट की ग्रोव है, कोकोनट ट्रीज़ की, और आपको पता है कोकोनट जो हैं वो यहाँ इतने तरीके से इस्तेमाल होते हैं, पकाने के लिए तेल ही बनता है, सर में लगाने के लिए तेल बनता है, फिर पकाते हैं कोकोनट को, पकाते हैं उसके कई सैलेड्स और कई तरह के खाने बनते हैं। फिर उसके बाद कोकोनट जो है उसको जो उसके शेल्स होते हैं ना उसमें कहते हैं कि बहुत फर्टाइल होता है वो, तो उसको पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आप में से बागवानी के शौकीन हैं उनको मैं बताऊं कि ऑर्किड्स जो बड़े खूबसूरत और नायाब फूल होते हैं वो आमतौर पे कोकोनट का जो शेल होता है उसमें मट्टी डाल के उगाए जाते हैं, और वैसे भी जो पौधे होते हैं उनके गिर्द उसको काट के कोकोनट के शेल्स को रखा जाता है, क्योंकि उसकी जो बीज की छाल होती है वो कहते हैं बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए। सो आपको फिर यहाँ पर बड़े बड़े विलाज मिलेंगे, जिस तरह बड़े होटल्स होते हैं उसमें कमरे 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 वैसे नहीं होता है इन रिजॉर्ट्स में, बड़े बड़े विरांडाज आगे होते हैं जिसमें लोग शाम को बैठते हैं, ब्रीज चलती है तो आप इंजॉय करते हैं, और फिर किनारे पे कमरे तकरीबन 20 के करीब हैं, सबके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, गार्डन का, पूल का, और बहुत कम्फर्टेबल उसकी सारी जो लुक है वो बहुत अच्छी है, एलिगेंट है बहुत। बाकी भी जो आपको चाहिए होता है यहाँ मिल जाता है, खाने हैं बड़े मज़ेदार मज़ेदार किस्म के ब्रेकफास्ट हैं, फ्रूट्स आपको मालूम है पाइनएप्पल और पपाया तो यहाँ बेतहाशा होता है, और केले भी छोटे छोटे हर तरह की वैरायटी होती है, कोकोनट्स की भी जैसे बहुत सी वैरायटी होती है वैसे केलों की भी बहुत वैरायटी होती है। अगर आपने गॉल शहर में जाना हो तो 10 मिनट की 15 मिनट की राइड है, या बीचेस की भी तकरीबन 15 मिनट की राइड है, यहाँ टुक टुक कहते हैं, रिक्शा बहुत चलता है, और यहाँ पर एक फोर्ट है जिसमें उन्होंने रेनोवेट करके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और छोटी छोटी बड़ी प्यारी सी दुकानें बनाई हुई हैं, वो ज़्यादा टूरिस्ट का एरिया समझा जाता है, वहाँ पर लोग भी इसी तरह जो ठहरते हैं आमतौर पे टूरिस्ट ही होते हैं, और वहाँ से वाटर फ्रंट आपको नज़र आता है, समंदर भी नज़र आता है। दूसरा यहाँ पर बीचेस हैं जो आपको कोकोनट के ट्री साथ साथ आपको लाइंड अप नज़र आएंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं। मगर आपने अगर गॉल आना हो जो कोलंबो से सिर्फ 2 ही घंटे के फासले पे है, आमतौर पर लोग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए कोलंबो पे आ जाते हैं, और अगर आना हो आपने तो आप यहाँ लीजे रिजॉर्ट में ठहरिए, मगर एक दिन वाला विज़िट जो हो ना उसके लिए शायद इतनी अच्छी नहीं हो, 2-3 दिन ठहरिए इस रिज़ॉर्ट को, ख़ुद को इंजॉय कीजिए। जिन्होंने सुबह सुबह किसी टूर पे जाना है और रात को लेट नाइट आना है वो शायद इतना इंजॉय ना कर सकें, लेकिन 3-4 दिन अगर फैमिली के साथ आप आ रहे हैं तो बच्चे पूल में बहुत इंजॉय करते हैं। बर्ड्स, बंदर, जो पर्पल लीफ फेस बंदर हैं वो अक्सर रिजॉर्ट में भी आ जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप ज़रूर अपना ट्रिप प्लान कीजिएगा।